एक सहाबी था हुजूर का, उसका जाहिर नाम था। वो देहात की तरकारियां लाता और मदीने में बेचता, और हुजूर अलैहिस्सलाम शहर की चीज़ें उसे तोहफे में देते। एक दिन वो कोई चीज़ बेच रहा था, हुजूर पीछे से गए और चुपके से जाके उसकी आंखों पे हाथ रख लिया। ये कभी आपने भी किया होगा, इसको कहते हैं कोली भरना। जब आपका कोई गूढ़ा दोस्त हो, बड़ा जानी और जिगरी, जिससे आप बड़े फ्रेंग हो, तो फिर वो बैठा हो और आप पीछे से चुपके से जाके उसकी आंखों पे हाथ रख लेते हैं, और फिर वो बोलता है कि कौन है, और आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा नाम किस नंबर पे आता है। बात तो करता है कि जनाब तुझे ही याद रखता हूँ, तो आज मैंने हाथ रखे हैं, तो जाहिर अपने करीबी दोस्तों का नाम लेगा, तो मैं किस नंबर पर आता हूँ। तो किसी की कोली भरने का मतलब ये होता है, मैं देखूँ तो सही इसको मेरे से मोहब्बत कितनी है। तो अल्लाह अकबर, वो बैठा था, हुजूर पीछे से गए, चुपके से जाके उसकी कोली भर ली। अब हुजूर के हाथ आंखों पे आए हों और सीने तक ठंड ना गई हो, ये कैसे हो सकता है? उसको ना पता चला हो कि हुजूर है, बल्कि हदीस में आता है कि वो बोलता नहीं, हुजूर आंखें दबा रहे हैं और वो बोलता नहीं, बल्कि जब उसको यकीन हो गया कि हुजूर ही हैं, तो उसने अपनी कमर को पीछे हुजूर के सीने से जोड़ के रगड़ना शुरू कर दिया, और हुजूर दबा रहे हैं कि यानी वो बताए कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो बोलता ही नहीं है। मुझे मियाँ साहब याद आए, लोग तो इसको मजाज के माना में लेते हैं, मैं यहाँ ये शेर पढ़ता हूँ। सुफने दे विच माही मिलिया ते गल विच पा लईयां बावां, सुफने दे विच माही मिलिया ते गल विच पा लईयां बावां, डर दी मारी अख ना खोला मता फिर विछड़ ना जावां, डर दी मारी अख ना खोला मता फिर विछड़ ना जावां। तो हुजूर आंखें दबा रहे हैं और वो नहीं बोलता। हुजूर खुद इरशाद फरमाया, इस गुलाम को कौन खरीदेगा? तो उसने कहा, हुजूर मुझे किसने खरीदना है, मैं तो बहुत सस्ता हूँ। फरमाया, तू बहुत महंगा है। अल्लाह अकबर, तू अल्लाह के यहाँ बहुत महंगा है। तो हुजूर यूं भी प्यार किया करते थे। तो नाम कोई और था, हुजूर ने लाट से कहा ज़ुल यदैन, ओ दो हाथों वाले, नाम ही दो हाथों वाला पड़ गया। एक दिन किसी ने हजरत ज़ुल यदैन से पूछा कि ये तो हुजूर ने लाट से कहा ज़ुल यदैन, लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, नाम तो तुम्हारा कोई और होगा, बताओ तुम्हारा असल नाम क्या था? हजरत ज़ुल यदैन बोले, मेरा असल नाम वही है जो हुजूर ने रख दिया है, सारी ज़िंदगी अपना नाम ही नहीं बताए। कहा, मेरा वही नाम है जो हुजूर ने रख दिया है। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह अकबर, सफ़ीना किस तरह उनका नाम पड़ा? नाम इस तरह पड़ा कि जब काफ़िला चलता था तो हज़रत सफ़ीना जो है वो पीछे रहते, हुजूर ने कहा कि तुम ज़रा पीछे रहो, काफ़िले में से किसी शख्स की कोई चीज़ गिरी पड़ी हो तो वो उठा लिया करो। फिर काफ़िला जहाँ पड़ाव करता तो वो आवाज़ देते, भाई किसी की कोई शय गुम है तो वो मुझसे ले ले। तो किसी की कोई चीज़ गिरी होती, किसी का जूता गिरा होता, किसी की कोई और चीज़ गिरी होती, किसी का कोई बर्तन गिरा होता, तो वो एक दिन हुजूर ने देखा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उठाई हुई हैं, और सफ़ीना अरबी में कश्ती को कहते हैं, बड़ी कश्ती को। तो हुजूर ने फरमाया, तू सफ़ीना है, तू कश्ती है? अल्लाह अकबर, नाम ही सफ़ीना पड़ गया। एक काफ़िले में बिछड़ गए, पीछे रहते थे, बिछड़ गए, काफ़िला निकल गया। अब जंगल है और कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। खैर, क्या देखा कि एक शेर है, इंसानी बू सूंघ के हमलावर होने के लिए आगे बढ़ा। तो शेर जब करीब आया ना और हमला करने लगा, तो हज़रत सफ़ीना ने शेर को क्या कहा, सुन लो ज़रा। शेर को मुखातब हो के उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, या अबल हारिस आना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जंगल के बादशाह सुन, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। बस आपके कहने की देर थी, उसने दुम हलाना शुरू कर दी, और वो आगे आगे चलता था। रावी लिखता है कि वो आगे आगे दौड़ता था और आवाज़ें निकालता था, और अगर और कोई जानवर होता तो उसको भी कहता पीछे हटो। वो प्रोटोकॉल गाड़ी नहीं होती, वो प्रोटोकॉल के तौर पे आगे आगे चल रहा था, यहाँ तक के काफ़िले तक पहुँचा के फिर वापस आता है। जो खुदा और रसूल का हो जाता है, ज़माना उसका हो जाता है। तो कहा कि तुम किसकी तलाश में लगे हो, आओ ज़रा उनके हो के तो देखो।